हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सुरभि एंड आई वेलकम यू ऑल टू नेविगेट। वेल, एज वी हैव स्टार्टेड द क्वेश्चन सीरीज, हमने देखा अभी तक कि हमारा व्यापम सब इंजीनियर का पेपर आ रहा है ना। अब सब इंजीनियर के पेपर के लिए हमने पढ़ाई शुरू कर दी। हमने अलग अलग सीरीज लॉन्च कर दी आपके लिए, एक टॉपिक वाइज सीरीज। टॉपिक वाइज सीरीज में हम हर एक टॉपिक में इन डेप्थ अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे कैसे हम एक टॉपिक को कवर कर सकते हैं, बी एट आर्टिकल, बी एट प्रपोजिशन, बी एट नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, बी एट सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, बी एट टेंसेज। हम आपके लिए इंडिविजुअल टॉपिक्स की स्मॉल स्मॉल सीरीज लेकर के आएंगे। फिर हमने देखा कि ना, प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आपने लास्ट 5 से 10 साल के क्वेश्चन पेपर लगा लिए तो मतलब आपने तो 60% काम कर लिया, अब सिर्फ 40% काम बाकी है। तो चलिए हम क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर एक बार एनालाइज करते हैं। हमने 2008 का, 2006 का, 7 का, 2020 का, 2019 के जितने भी पेपर्स हो चुके हैं, सारे पेपर एक बार एनालाइज किए हैं। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दी प्लेलिस्ट। आप एक बार जाइए और प्लेलिस्ट में देखिए, आपको वहाँ पे सारे पेपर मिल जाएंगे ईयरली सॉल्व। तो एक बार सारे पेपर्स देखिए ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल सके कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज पेपर। ये है 2016 का पेपर। अब हम देखते हैं कि 2016 में कैसे क्वेश्चंस आते थे, है ना, कितनी वोकैबुलरी आती थी। सी, ज़्यादा से ज़्यादा 15 क्वेश्चन आएंगे, कम से कम 13 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चंस की जो रेंज होगी वो सब वो 13 टू 15 ही होगी। वोकैबुलरी भी आनी है और उसके साथ ग्रामर भी आनी है। कितने मार्क्स की वोकैबुलरी आएगी, कितने मार्क्स की ग्रामर आएगी, ये सब कुछ हम एनालाइज करते हैं। तो विदाउट फर्दर अड्यू, लेट्स गो टू द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड दी ऑड वर्ड, ऑड वर्ड आउट। इसमें से ऑड क्या है, डेक्स, चेयर, टेबल, बैग, क्या है इसमें से ऑड वन। नाउ वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन कीजिए। टिल द एंड ऑफ द वीडियो आपको पता चल जाएगा कि आपने आउट ऑफ 14, आउट ऑफ 15 कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने क्वेश्चन गलत किए हैं। आपको पता चल जाएगा कि आपका वीक एरिया क्या है, आपको वोकैबुलरी में प्रॉब्लम आ रही है या आपको ग्रामर में प्रॉब्लम आ रही है। टाइम हमारे पास बहुत कम है, आपको समझ में आ जाएगा एक बार कि आपको कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर आप उस वीक एरिया में काम कर सकते हैं, है ना। चलिए फिर एक बार देखते हैं क्या है, डेस्क, चेयर, टेबल और बैग, क्या है इसमें से ऑड वन। द ऑड वन इज बैग, द ऑड वन इज बैग ओवर हियर। हाउ कम द ऑड वन इज बैग। सी, डेक्स, डेक्स के ऊपर मैं सामान रखती हूँ, चेयर, चेयर के ऊपर भी मैं सामान रखती हूँ, टेबल के ऊपर भी मैं सामान रखती हूँ, सारी चीज़ें बैठने के और लिखने पढ़ने के काम में आती हैं, पर बैग इज़ डिफरेंट। तो द करेक्ट आंसर इज बैग, द करेक्ट आंसर इज बैग। नाउ मूविंग ऑन टू आर सेकेंड क्वेश्चन। देखिए, जैसा हमारा फर्स्ट था ऑड वन आउट, वैसा ही हमारा सेकेंड है ऑड वन आउट। क्या होगा ऑड वन आउट, पॉज कीजिए और कमेंट डाउन कीजिए। जॉग, स्प्रिंट, कॉफ और रन, क्या होगा इसमें ऑड वन आउट। ऑफ कोर्स कॉफ, बाकी सब दौड़ने की बात कर रहे हैं। रन इज ऑफ कोर्स रनिंग, स्प्रिंट इज अ टाइप ऑफ रन, एंड देन जॉग, अगेन जो हम जॉगिंग करते हैं जिसमें हम दौड़ते हैं, एंड कॉफ इज खांसी, जब खांसी आ जाती है तो खांसी तो अलग है ही, है ना। तो द राइट आंसर इज, करेक्ट आंसर इज कॉफ। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगेन एक और ऑड वन आउट, हमें क्या पता चल रहा है 2016 में ऑड वन आउट से काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं, 2016 में ऑड वन आउट से काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं। तो हो सकता है कि हमारे पेपर में भी एक आध ऑड वन आउट से क्वेश्चन आ जाए। क्या है इस ऑड वन आउट में, फुटबॉल, क्रिकेट, रग्बी एंड बैडमिंटन। फुटबॉल, क्रिकेट, रग्बी एंड बैडमिंटन, क्या है इसमें ऑड वन आउट। वीडियो पॉज कीजिए एंड देन कमेंट डाउन कीजिए। वेल, इसमें ऑड वन है बैडमिंटन। बैडमिंटन कैसे है ऑड वन, यू आस्क मी। सी, फुटबॉल हम टीम में खेलते हैं, क्रिकेट वो भी हम टीम में खेलते हैं, रग्बी वो भी हम टीम में खेलते हैं, पर क्या हम बैडमिंटन टीम में खेलते हैं। नहीं, बैडमिंटन वन ऑन वन खेला जाता है, इसीलिए बैडमिंटन इज दी ऑड वन आउट। नाउ मूविंग ऑन द फोर्थ क्वेश्चन। द फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है हमें, हमें ये गिवन सेंटेंस किस टाइप का है, ये गिवन सेंटेंस किस टाइप का है, हमको ये आइडेंटिफाई करना है, है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये किस टाइप का सेंटेंस है, हमें इसकी टाइप सेलेक्ट करनी है। सेंटेंस क्या है, मे आई बोरो योर अम्ब्रेला, मे आई बोरो योर अम्ब्रेला। अब पॉज कीजिए और आंसर कमेंट डाउन कीजिए। मे आई बोरो योर अम्ब्रेला में हम एक परमिशन मांग रहे हैं,
है ना, हम परमिशन मांग रहे हैं, हम पूछ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? इंटेरोगेटिव. द करेक्ट आंसर इज इंटेरोगेटिव. दिस इज एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस. देन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ अगेन सेंटेंस आइडेंटिफाई करना है. आइडेंटिफाई द गिवन सेंटेंस. जॉन एंड जेम्स वेंट टू द पार्क. किस पार्क गए, कहाँ गए, ये नहीं पता करना, पर हाँ किस टाइप का सेंटेंस है ये पता करना है. तो कमेंट डाउन कीजिए किस टाइप का सेंटेंस है. कंपाउंड है, सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, कौन सा सेंटेंस है ये? इट इज़ अ सिंपल सेंटेंस. दिस इज़ अ सिंपल सेंटेंस. द करेक्ट ऑप्शन इज सिंपल सेंटेंस. क्यों है ये सिंपल सेंटेंस? सी, हमको पता है कि जब किसी फैक्ट के बारे में हमको बताया जाए, तो वो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस. हमने टेंसेज में देखा कितने तरीके के टेंस होते हैं. तीन तरीके के टेंस होते हैं, सिंपल, पास्ट एंड फ्यूचर. अब सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट में कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट में होता है सिंपल प्रेजेंट, देन प्रेजेंट परफेक्ट, देन प्रेजेंट कंटिन्यूअस, देन परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. वैसे ही सारा पास्ट में भी होता है और वैसे ही सारा फ्यूचर में भी होता है. सिंपल पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट पार्टिसिपल कंटिन्यूअस, एंड देन सेम हैपन्स विद द फ्यूचर. फ्यूचर सिंपल फ्यूचर, देन फ्यूचर क्या, फ्यूचर फ्यूचर में भी सेम होता है जैसा हमारे साथ पास्ट में हुआ एंड प्रेजेंट में हुआ, है ना. पार्टिसिपल कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर, फ्यूचर पार्टिसिपल कंटिन्यूअस. अब इन्हीं सब में हमने देखा कि ये सेंटेंस क्या है. ये सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का. सिंपल प्रेजेंट कैसे? क्योंकि जो हमें सिंपल एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हो, एक फैक्ट बता रहा हो, है ना, जो हमें एक सिंपल फैक्ट बता रहा हो, वो होते हैं सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंस. तो अगेन ये हमारा सेंटेंस कैसा है? सिंपल प्रेजेंट का. नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स, हमें इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है. द मील शी कुक्ड वॉज, कैसी थी वो मील? द मील शी कुक्ड वॉज डार्जलिंग, फ्रेश, डिलीशियस. क्या था डार्जलिंग का क्या मतलब होता है? स्पार्कलिंग. जो खाना उसने बनाया क्या वो स्पार्कल कर रहा था? नहीं. क्या वो फ्रेश था या फिर वो डिलीशियस था? सी द मोस्ट सूटेड ओवर हेयर इज डिलीशियस. द मील शी कुक्ड वॉज डिलीशियस एंड आर करेक्ट आंसर इज डिलीशियस. ठीक है, नाउ कम्स नंबर सेवन. नंबर सेवन में आपको क्या करना है? करेक्टली स्पेल. इन सभी में से करेक्टली स्पेल क्या है? डिसअपॉइंटमेंट की सही स्पेलिंग क्या है बताइए, कमेंट डाउन कीजिए. सी नाउ DISADISAPPOINT हमें देखना है, डबल पी आता है, डिसअपॉइंट में डबल पी आता है, है ना. तो ऑप्शन ए इज आर करेक्ट ऑप्शन. नाउ क्वेश्चन नंबर एट अगेन हमें करेक्टली स्पेल करना है. बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट स्पेल है? द करेक्ट आंसर इज DESPERATE, डेस्परेट, है ना. करेक्ट स्पेलिंग इज DESPERATE. हमने देखा दो क्वेश्चन आ चुके हैं करेक्शन ऑफ स्पेलिंग से. एक क्वेश्चन आ चुका है सीधा सीधा सिनोनिम का. तीन क्वेश्चन स्टार्टिंग में आ चुके हैं ऑल वन आउट के. अब आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन पैटर्न, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कितना आपको वोकैबुलरी पे फोकस करना है, कितना आपको ग्रामर पे फोकस करना है ना. नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर नाइन. अगेन एक क्वेश्चन आ गया हमारा फिल इन द ब्लैंक्स का. हमने देखा है पहले भी दो क्वेश्चन आ चुके हैं फिल इन द ब्लैंक्स के. अब ये क्या है? Yesterday I dashed my hand while chopping vegetables. जब मैं चॉप कर रहा था वेजिटेबल्स तो मैंने क्या किया? कटेड, कटिंग, हैज कट या फिर कट. क्या होगा इसका सही आंसर? कमेंट डाउन कीजिए. द सही आंसर इज कट. Yesterday I cut my hand while chopping vegetables. वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा. हमने देखा सिंपल सेंटेंस. अगेन दिस सेंटेंस इज सिंपल. नॉर्मल कन्वर्सेशन हो रही है प्रेजेंट टेंस में, विच इज अ सिंपल सेंटेंस. यस्टरडे के बारे में बात हो रही है तो वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? फर्स्ट फॉर्म आएगा, इसीलिए आया कट.
देन मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10. वॉट इज द सिनोनिम ऑफ क्यूरियस? क्यूरियस का सिनोनिम क्या होता है? क्यूरियस मतलब कि क्यूरियस. आई एम क्यूरियस टू नो. मुझ में बहुत ज्यादा जिज्ञासा है जानने की. क्यूरियस का क्या मतलब होता है? जिज्ञासा. एक सिनोनिम होता है इनक्यूसिटिव. इनक्यूसिटिव का भी मतलब होता है जिससे बहुत ज्यादा जानने की इच्छा हो. यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इंक्वायरिंग. जो क्यूरियस होगा वो इंक्वायरिंग होगा. INQUIRING, इंक्वायरिंग, जो बहुत ज्यादा इंक्वायरीज करता हो. देन क्वेश्चन नंबर 11. वॉट इज द एंटोनिम ऑफ क्रूएल? वॉट इज द एंटोनिम ऑफ क्रूएल? क्रूएल का क्या मतलब होता है? क्रूएल का मतलब होता है दुष्ट. क्रूएल का मतलब होता है दुष्ट. अब क्रूएल का एंटोनिम ढूंढना है हमें, तो क्या होगा? काइंड. काइंड विल बी द एंटोनिम, है ना. एंटोनिम मतलब अपोजिट, सिनोनिम मतलब सिमिलर. देखो मैंने कैसे याद रखा, सिनोनिम. सिनोनिम जो एस से स्टार्ट होता है, तो सिमिलर वो भी एस से स्टार्ट होता है. एस से सिनोनिम, एस से सिमिलर. क्रूएल, अब सॉरी, क्रूएल का हमने देखना था एंटोनिम. एंटोनिम क्या हो गया? काइंड. एंटोनिम मतलब कि अपोजिट. चलिए ये तो समझ में आ गया. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12. अगेन फिल इन द ब्लैंक. फिल इन द ब्लैंक. ही वॉज आस्क्ड इन द कोर्ट टू डैश हिज स्टेटमेंट. ही वॉज आस्क्ड इन द कोर्ट टू डैश हिज स्टेटमेंट. क्या किया स्टेटमेंट को? अक्यूज, चेंज, जस्टिफाई, थिंक. नाउ आप जब कोर्ट में हैं तो आप खुद को जस्टिफाई करने के लिए गए हैं वहाँ पे, तो आप अपने स्टेटमेंट को भी तो जस्टिफाई करेंगे, है ना. हम जस्टिस के लिए जाते हैं, हम चीज़ों को जस्टिफाई करते हैं, तो इसमें क्या आएगा? ही वॉज आस्क्ड इन द कोर्ट टू जस्टिफाई हिज स्टेटमेंट. द करेक्ट आंसर इज जस्टिफाई. देन मूविंग ऑन नंबर 13. दिस इज अगेन फ्रॉम idiom एंड phrases. अगेन हमारे वोकैबुलरी से आ गई. वोकैबुलरी से आ गया. क्या आया क्वेश्चन? आ बेटर पिल. आ बेटर पिल. आ बेटर पिल का क्या मीनिंग होता है? आ बेटर पिल का मीनिंग होता है अनप्लीजेंट. आ बेटर पिल. आ बेटर पिल एक कड़वी गोली. कड़वी गोली मतलब कि अनप्लीजेंट, है ना, जो प्लीजिंग नहीं हो, तो अनप्लीजेंट. देन हमने देखा 14, अगेन idiom एंड phrases. 14 इज अगेन idiom एंड phrases. अब हमने देखा वोकैबुलरी तो 16 के पेपर में भर भर के आई है. दो क्वेश्चन आ गए idiom एंड phrases से, दो क्वेश्चन आ गए स्पेलिंग से, एक एंटोनिम, एक सिनोनिम. तो इन टोटल छः, इन टोटल कितने? सी, दो idiom एंड phrases, दो एरर स्पॉटिंग, एक एंटोनिम, एक सिनोनिम. 6 क्वेश्चन, है ना. सीधे सीधे 6 क्वेश्चन आए हैं हमारे वोकैबुलरी से और बाकी सारे आए हैं हमारे ग्रामर से. चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए. ऑल ईयर्स. ऑल ईयर्स मतलब लिसनिंग केयरफुली. ऑल ईयर्स मतलब लिसनिंग केयरफुली. ये था हमारा 2016 का पेपर. ये था हमारा 2016 का पेपर. 2016 का पेपर, ठीक है. हमें ये पेपर करके समझ में आया किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, कितने वोकैबुलरी से आएंगे और कितने हमारे ग्रामर से आएंगे. आप सबने मेरे साथ आंसर दिए हैं, आप सबने कमेंट डाउन किए हैं आंसर्स. अब कमेंट कीजिए कि आपके कितने सही हुए और कितने गलत हुए और आपको किस एरिया में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ताकि मैं उस एरिया में वीडियो बना सकूँ. अगर आप चाहते हैं कि मैं वोकैबुलरी पर वीडियो बनाऊँ, डू कमेंट इट डाउन बिलो. आप चाहते हैं कि मैं ग्रामर पर बनाऊँ, डू कमेंट इट डाउन बिलो. ग्रामर में किस पार्ट पर बनाऊँ? टेंस पे, नाउन पे, प्रोनाउन पे, वर्ब पे, एडजेक्टिव पे, एडवर्ब पे, प्रपोजिशन पे, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पे, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, किस चीज़ में आपको हेल्प चाहिए है, डू कमेंट इट डाउन बिलो एंड आई विल फॉर श्योर मेक अ वीडियो ऑन दैट. दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू सो मच. ऑल्सो यू कैन जॉइन नेविगेट प्राइम. नेविगेट प्राइम पे आपको ऑलरेडी जो सब्जेक्ट वाइज सारे वीडियोज डले हुए हैं वो मिल जाएंगे. टेक्निकल कोर्सेज, नॉन टेक्निकल कोर्सेज, कंबाइन ऑफ टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल कोर्सेज, सब कुछ आपको नेविगेट प्राइम के ऐप पे मिल जाएगा. और फॉर फर्दर डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन रीड कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन पे सारी इन्फॉर्मेशन एंड टेलीफोन नंबर गिवन है. आप उस टेलीफोन नंबर पे कॉल करके भी इंक्वायर कर सकते हैं. दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड. थैंक यू सो मच.